बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, अपने आचार्य होने का, अपनी वेद तपस्या का प्रमाण दीजिए और मेरे साथ एक बार कह दीजिए, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आचार्य जनों, आपकी वाणी तो भगवान शिव की वाणी, शिव स्वरूप, वेद स्वरूप, आपकी वाणी इतनी निर्बल कैसे हो सकती है? अगर आचार्य जनों की वाणी निर्बल हो गई तो भारत स्वाभिमान के साथ कैसे खड़ा होगा? लोग पूछ रहे हैं कि आपके आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने क्या दिया है? पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम आरएसएस के लोग चाय बेचने वाले बच्चे को भारत माता की देशभक्ति का संस्कार देकर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो भारत की धमक, भारत के सनातन की धमक पूरे विश्व के पटल पर सुनाई देती है। इसलिए उसी शौर्य को जागृत कीजिए, मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, अपने आचार्य होने का, अपनी वेद तपस्या का प्रमाण दीजिए और मेरे साथ एक बार कह दीजिए, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आपने धैर्य से सुना, आपको साधुवाद। जय भारत, जय श्री राम। जय जी, जय श्री राम। भाई साहब जय श्री राम, भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब ये रजौरी पूंछ का रथ है हमारा, जिसको चला रहे हैं हमारे संदीप भाई जी। ए संदीप भैया जय श्री राम। ठीक है, बढ़िया। देखिए रथ है हमारा रजौरी पूंछ से। ये सतीश जी हैं भद्रवा से। सतीश जी जय श्री राम। और देखिए कितना सुंदर रथ लेके आए हैं सतीश जी भद्रवा से, बहुत सुंदर। भाई साहब जय श्री राम। ये कठुआ जिले का। भाई साहब जय श्री राम। बिलावर जिले से रथ आते हुए, ये हमारे भाई साहब जय श्री राम। बिलावर का रथ, भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम। रियासी का रथ आते हुए, भाई साहब जय श्री राम। सांबा का रथ देखिए, बड़ा अद्भुत रथ। जय श्री राम। एक रथ और आते हुए, जय श्री राम। अखनूर जिले का रथ, ये पंडित जी पीछे साथ में।